बच्चों की कम संख्या के कारण नूरपुर शिक्षा खंड के तहत प्राइमरी स्कूल पंद्रेहड़, जिसे 10 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने सरकार से इसे दोबारा खोलने की मांग की थी और अब सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अप्रैल माह 2020 से इसे दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। स्थानीय विधायक राकेश पठानिया के प्रयासों से नूरपुर शिक्षा खंड के तहत प्राइमरी स्कूल पंद्रेहड़ में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत LCD लगाई जाएंगी। इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाई करने के गुर सिखाए जाएंगे। साथ ही सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए हर महीने प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में जोड़ने के लिए खेलों का सामान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में इस स्कूल में एक अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा स्कूल के 3 कमरों में टाइल्स और नए डेस्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन और निजी स्कूल प्रबंधकों ने भी हर संभव सहयोग और परामर्श का भरोसा दिया है। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के आधुनिक व बेहतरीन तरीकों से वाकिफ करवाने के लिए क्षेत्र के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों में भ्रमण करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली है। उनका मानना है कि आर्थिक तंगहाली और सही मार्गदर्शन न मिलने के चलते कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को निखरने का सही मौका नहीं मिल पाता। वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं और खेल गतिविधियों में भाग लेकर नया मुकाम हासिल करें। उन्होंने कहा कि वे सरकारी सेवा के दौरान दूसरी जगह नियुक्ति होने पर भी इस स्कूल के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। हाल में एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी कि पिछले 10 वर्षों से एक स्कूल बंद था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंद्रेहड़, जो कि बच्चों की कमी होने के कारण, स्ट्रेंथ कम होने के कारण बंद किया गया था 2009 में। और हाल ही में जब 2019 अप्रैल में उसको खोला गया, तो वहाँ के लोकल प्रधान ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवा कर इस स्कूल में एडमिशन दिलवाई, ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े और लोगों को मोटिवेशन मिले। जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस स्कूल को गोद लिया जाए, इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए और कुछ यहाँ के लोकल्स जो हैं, जो NGOs हैं, उनसे मिलकर हमने एक विधिवत प्लानिंग करी। हमने इससे पहले कुछ बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो यहाँ के नूरपुर के हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो पठानकोट में हैं, उनको विज़िट किया और उसके बाद वहाँ किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है और कुछ सरकारी स्कूल जो मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ भी विज़िट किया। और हमारे साथ इसमें गुलाब जी यहाँ के एक स्वयंसेवी हैं, वो जुड़े हुए हैं, एक अमित राणा जी हैं जो स्पोर्ट्स में एक नूरपुर में बहुत बड़ा नाम है, जो काफ़ी बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा चुके हैं। इन सभी लोगों को लेके हमने स्कूल में एक मीटिंग रखी बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ, और एक रूपरेखा बनाई कि किस तरह से यहाँ के बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए। जिस तरह की मैं भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल चंबा से पढ़ा हूँ, तो मुझे अहमियत पता है कि इस स्कूल की क्या अहमियत है। तो मैंने चाहा कि वहाँ के बच्चों को सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की बच्चों की पढ़ाई की जाए, और उसके लिए हम किताबें बच्चों को फ्री मुहैया करवा रहे हैं। वहाँ पर एक LED का प्रबंध किया जा गया है जो कि आ चुकी है अभी स्कूल में, और वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी एक प्राइमरी स्कूल में लगाई जा रही हैं, ताकि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जा सके। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।